ये तो अकेला है, क्या ही कर लेगा। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो अभी जो आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर और इस टाइप की एडिटिंग तो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है, और ये रील भी काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो को मैं आपको कैसे एडिटिंग सिखा सकता हूँ बिल्कुल इजी मेथड से। तो चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। तो चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर एक VPN ऐप कनेक्ट होना चाहिए, मैंने पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। ओके, उसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर एक कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना और इसको ओपन कर लेना। अगर आपके फ़ोन के अंदर कैपकट ऐप नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईफोन में और एंड्रॉयड में आप कैसे कैपकट ऐप के न्यू लेटेस्ट वर्जन को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैंने दे रखा है। ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कोई भी अपनी एक वीडियो ऐड कर लेनी है जिसकी आप अपनी एडिटिंग करना चाहते हैं। मैं एक इसी वीडियो को अपना ऐड कर लेता हूं, इसकी वॉल्यूम को जीरो कर लेता हूं और यहां से इसको मैं म्यूट कर लेता हूं। ओके, मैंने म्यूट इसलिए करा ताकि हम कोई भी वीडियो आउटडोर की शूट करते हैं तो आउटडोर म्यूजिक आ ही जाता है। ओके, सो इसके अंदर हमें कुछ स्प्लिट्स वगैरह लगा लेने हैं। कैसे कैसे कहां कहां पर लगाना है चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको दो फिंगर की मदद से इसको जूम करना है। फुल जूम करने के बाद फर्स्ट स्प्लिट देखिए आपको कहां पर लगाना है, मैं आपको बताऊं। मैं आपको यहां पर ये शो कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपको डेली शो करूंगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्प्लिट 2.5F, ठीक है 2.5F। तो हमें आना अपनी वीडियो पर। ओके, सो वीडियो पाए और हमें जाना है 0 सेकंड है ये, और ये देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद 5F था ना, तो 5F आ गया। ये एक स्प्लिट हमने ये लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट देख लेंगे 2.20F, ठीक है। तो 2 सेकंड पर हमारा ये है 5F, 10F, 15F, 20F, 20F पर आने के बाद एक स्प्लिट ये लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है 0.3x स्पीड, यानी कि हमने जो ये स्प्लिट्स लगाया है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसकी पहले स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर इसकी 0.3x स्पीड कर लेनी है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। और अब जो हमें स्प्लिट लगाना है वो 3.10f, और आप यहाँ पर नोट कीजिएगा 3.10f के बाद में भी एक पॉइंट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, पहले 3 सेकंड पर जाना है, फिर 3 सेकंड, एक मिनट, 10f है कितना है, ओके तो 10f है ना, तो 3 सेकंड पर आए पहले हम, 3 सेकंड पर आने के बाद 5f, 10f पर आए, 10f के बाद भी जो ये पॉइंट है 15f से पहले, यहाँ पर हमें एक स्प्लिट लगाना है। पॉइंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो में इतने सारे ये स्प्लिट लगाओ। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल से स्प्लिट लगाना है और पॉइंटों का ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर पॉइंट लगा है एफ के बाद में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको स्प्लिट लगा लेने हैं, ठीक है। आई होप कि आपने स्प्लिट्स लगा लिए होंगे। मैंने एक फॉर्मेट पहले से ही रेडी कर रखा है ओनली स्प्लिट्स लगा करके, जैसे कि आप देख रहे हैं ओनली स्प्लिट्स लगा करके मैंने ये फॉर्मेट रेडी कर रखा है। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके इतने स्प्लिट्स आपने लगा लिए होंगे, अब आपको आगे की एडिटिंग कैसे करनी है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है और यहां से उस ऑडियो को हमें ऐड कर लेना है जो तो अकेला है। ओके, मैंने ऐड ऑडियो कर लिया करने के बाद। ओके, अब उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट वाले बैक आना है बिल्कुल, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा यहाँ पर जाएंगे ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा डायमंड जूम, ठीक है। इस डायमंड जूम पर क्लिक कर देना। डायमंड जूम पर क्लिक करने के बाद जो ये इसकी इंटेंसिटी है ना, इसकी इंटेंसिटी को आपको 20 कर देना है। ओके, 20 करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, राइट पर क्लिक करके यहाँ से आपको देखिए स्टार्टिंग से 2 सेकंड यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट की एंड तक इसको हमें लगा देना है। अब लगाने के बाद फिर से हमें स्टार्टिंग में आना है, फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हमें अब एक स्क्रॉल करेंगे ना यहाँ पर, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, नाइट्स क्लब, उसके बाद लेंस। ओके, सो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए फ्लिकर फ्लैश, सॉरी यहाँ पर ये लिखा ना, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में आकर 0.15F पर आना है। 0.15F पर आ गए और यहाँ से हमने अपने जो ये सेकेंड वाला इफेक्ट इसमें हम लगा रहे हैं वो 0.15F से उसकी स्टार्टिंग रखनी है यहाँ तक जैसे आप देख रहे हैं, और इस पार्ट की एंड तक लगा देना है। बस इस पार्ट की एंड तक आपने लगा दिया, लगाने के बाद फिर नेक्स्ट वाला जो यहाँ तक हमने कर दिया उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लगा देना रोक वर्टिकली। ओके, रोक वर्टिकली लगाने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा इसको हमें ऐसे ही छोड़ना है, उससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा फिर से इस पर क्लिक करना है एनिमेशन पर, रोक वर्टिकली, उससे नेक्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करके फिर से एनिमेशन पर, फिर से रोक वर्टिकली, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा ना इस नेक्स्ट पार्ट पर क्लिक करना है, एक मिनट,
ओके, इस नेक्स्ट पार्ट पर क्लिक किया, एनिमेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर रोक हॉरिजॉन्टली, देन राइट पर, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उस पर भी क्लिक करना, एनिमेशन पर रोक हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पर आने के बाद एनिमेशन पर रोक वर्टिकली, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट पर आएंगे तो फिर से रोक वर्टिकली, उसके बाद यहाँ पर हमें आना नेक्स्ट वाले पार्ट पर, तो एनिमेशन पर क्लिक करके रोक हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर क्लिक करने के बाद रोक हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इस पर एनिमेशन पर क्लिक करके रोक वर्टिकली, और लास्ट वाले पार्ट पर हमें लगा देना है रोक हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और लगाने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है। अब जो हमारी रील है ना, ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है, आपने यहाँ पर देखा, तो चलिए मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी ये वीडियो कैसी एडिट हुआ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए डेली एक दिन में कभी कभी दो बार भी मैं डेली रील्स जो ट्रेंडिंग पर चलती हैं उनकी एडिटिंग लेकर के आ जाता हूँ, इसलिए ताकि आप अपनी डेली वीडियो बनाएं और अपने रील को वायरल कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मैं अब आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ये तो अकेला है, क्या ही कर लेगा। सो आपने देखा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमारी ये रील यहाँ पर वायरल तरीके से एडिट हो चुकी, जैसे आपने देखा था प्रीव्यू में बिल्कुल सेम वही, और हो सकता है मैं भी इस रील को अपलोड करूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा एडिट हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल तरीके से अपने रील को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के साथ।